क्या कुछ अता पता। अरे भैया चीरते हुए निकल गया ये तो मोए मोए हो गया ट्यूब का भाई, मोए मोए। अरे रुका से हो सकता है भाई। 143 44 BVA टेक्नोलॉजी ऑन 145 ये दैट्स अ पावर ऑफ BVA, इसे बोलते हैं BVA की पावर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम लेके आ चुके हैं आपके सामने दो जेंटी, आप देख सकते हो हमारे पास खड़ी है KTM और यहाँ हमारे पास है KTM की तरफ से ड्यूक 200 BS7 कह सकते हैं, क्योंकि E20 आप देख सकते हो और LED लाइट के साथ आती है, मीटर कंसोल भी देख रहे हो सब एकदम डिट्टो, अभी शब्द नहीं इसके लिए। दूसरी हमारे पास है लोगों की पसंदीदा बाइक R15 V3, यहाँ की V3 155 कहने के लिए 155 है, बाकी यार देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट होते हैं, क्योंकि हमारे पास आ चुके हैं यमहा वर्सेस ड्यूक और KTM और यमहा के काफ़ी फाइंस काफ़ी टाइम से लड़े भिड़े जा रहे हैं, तो बस इसी दुख को दूर करने के लिए आपके सामने लेके आ चुके हैं R15 V3 वर्सेस KTM ड्यूक 200। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट होने वाले, बाकी पावर तो बताएंगे नहीं, पावर आपको मिलेगी ट्रैक में। चलिए मिलते हैं ट्रैक पे, सामना होने वाला है R15 का ड्यूक 200 के सामने, चलिए क्या देखते हैं। और यहाँ पे बिजली भी टक्कर दे रहे भाई, इनिशियल में ड्यूक अपनी निकल चुकी है आगे। और V3 कहाँ तक मौका देगी ये नहीं पता है मुझे, लेकिन टॉप एंड में सबको पता है कि V3 निकल के जाएगी आगे। और काफ़ी गैप मेंटेन कर चुकी है V3 से ड्यूक ने। और विंड ब्लास्ट काफ़ी तेज रहा है इधर से, और ये जो है भाई ड्यूक 200 LED वाली ये 135 पर लिमिटर मार जाती है, तो यहाँ पे अभी देखते हैं कितना ये जाती है। और 133 जा चुकी है, लिमिटर आ चुका है, लेकिन कुछ अता पता। अरे भैया चीरते हुए निकल गया ये तो मोए मोए हो गया ट्यूब का भाई, मोए मोए। अरे रुक जा, मोए मोए। अरे ये तो हो गया मोए मोए। गाइस यहाँ पे ड्यूक 200 का मोए मोए हो चुका है। आप देख सकते हो R15 V3 काफी आगे जा चुकी है और यहाँ पे हो गया मोए 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 मोए। V3 भाई मौका दिया मुझे, और V3 कहाँ है पता नहीं। देख नहीं रही है फिलहाल, ये रही भाई साहब चुम्मा दे के निकलना है भैया, ये तो मोए मोए हो गया।
यहाँ पे गौरव भाई का हो गया मोए मोए। तो भाई साहब आपने देखा यहाँ पे ड्यूक 200 इग्निशियल का बाप है, इग्निशियल में बहुत ही तगड़ा खाती है R15 को, लेकिन R15 जो इग्निशियल में खाती है भाई साहब, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्या ही ड्यूक खाती है इसको। तो यहाँ पे राइडर स्विच करते हैं एक बार और देखते हैं कैसे उन्होंने, गौरव भाई आ रहे हैं अपने R15 V3 पे और मैं चला जा रहा हूँ, चलो मैं चला जा रहा हूँ ड्यूक। तो चलिए थोड़ा इसका भी देख लेते हैं सिस्टम क्या हिसाब आता है, आराम से लॉन्च होगी ठीक। इनिशियल में आरुण भाई पे अगर अच्छे से लॉन्च की जाए और एयर फंसा थोड़ा सा मेरा, लेकिन ज्यादा देर का नहीं, शीशा बंद करो, आवाज आ रही है बहुत तेज यार, देख सकते हो ड्यूक अभी आगे है। देखते हैं कितना गैप मेंटेन करती है ये, और 139 जा चुकी है ये, 142। मौज कर दी, विंड लाइफ बहुत ज्यादा है इधर से, और ये रही ड्यूक भाई साहब, फुल थ्रॉटल पे हूं मैं, फिर भी ड्यूक आगे निकल गई ऐसा। कैसे हो सकता है भाई, 143, 44 BVA टेक्नोलॉजी ऑन, 145, yeah, that's the power of BVA, इसे बोलते हैं BVA की पावर, 147, yeah, यो पता नहीं कहां है, और ये स्लिम सी कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है और मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, चीरते भागते हुए सबको टाटा बाय बाय कर दिया मैंने। हाँ मजा आ गया भाई, मेरा हो गया मोए मोए भाई साहब। तो गौरव भाई पूरी तरीके से एकदम सेफ्टी आ चुके थे, बन चुके थे गाड़ी से, निकल ना पाए। तो गाइस आपने देखा यहाँ पे रिजल्ट भाई, R15 विन है पूरी तरीके से, बस इग्निशन विन है।